हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए समर स्पेशल बहुत ही सिंपल सी और फ्रिल वाली ड्रेस बनाएंगे, जिसके लिए मेरे लड्डू गोपाल जी 4 नंबर के हैं, तो मैंने उनके साइज़ के हिसाब से मैंने ये 34 इंच लंबा और ये 6 इंच चौड़ा क्लॉथ लिया है एक। लेकिन जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये फ्रिल में बनाना है, तो मैंने इसके लिए 3 फ्रिल लिए हैं। ये मैंने 6 इंच में लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने 6 इंच में लिया है, और सेकंड वाला मैंने 5 इंच में लिया है। तीनों ही फ्रिल में मैंने एक एक इंच कम कर दिया है, और ये मैंने 4 इंच में लिया है। तो ऐसे हमें ये 3 क्लॉथ लेना है, और इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे पहले हमें ऊपर की साइड से सिंपल सिलाई लगा लेना है। चलिए फिर सिलाई लगाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमें तीनों क्लॉथ को ऊपर की साइड से एक जगह पे ऐसे पकड़ना है, और ऐसे ये आ जाएंगे। अब हम इसको ऐसे एक सीधा सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हम लोग सीधा सिलाई लगाते हुए जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इन तीनों को इकट्ठा एक जगह सिलाई कर लिया है, और अब हम इसको ऐसे नीचे से फोल्ड करेंगे। इसका एक एक कन्नी ऐसे फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इस पर बहुत ही पतला सा लेस भी लगा सकते हैं तीनों ही फ्रिल पे, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल ड्रेस बनाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे पिको करने वाली हूँ तीनों ही फ्रिल पे, जिसकी वजह से इसके फ्रिल बहुत ही अच्छे आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा उल्टा कर लूँगी, और उल्टा करके मैं इसको यहाँ पे ऐसे पिको करूँगी। आप इस पर कोई भी सिंपल सा बहुत ही पतला सा लेस लगा सकते हैं। हम इसको ऐसे ही इसकी तीनों लेयर पे पिको कर लेंगे, या फिर इसको हल्का हल्का सा ऐसे दबा लेंगे, या इसको ऐसे लेस से कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल ड्रेस है फ्रेंड्स बनाना। इसको इसमें बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा आपका, और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगी। और यकीन मानिए, जब ये रेडी हो जाएगी, आप इसमें इसको पहना के लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे, बहुत ही सुंदर लुक आता है उनका। क्योंकि एक तो उसमें फ्रिल आ जाते हैं 3 लेयर में, और ऊपर से ये बहुत ही पतला रहता है, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा उनको। बहुत ही सिंपल ड्रेस है, तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा एक बार बनाने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना ये 2 लेयर कम्प्लीट कर लिया है, और अभी हम 3रा लेयर बनाने लग रहे हैं, और ऐसे ही करके हम अपना 3 लेयर कम्प्लीट कर लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तीनों लेयर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और अब हम इसको नेक्स्ट बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी कितनी अच्छी लग रही है। और अभी हमें इसमें फ्रिल भी बनाना है, प्लेट्स डालना है, और अभी जब हम इसको पूरा तैयार कर लेंगे ये बहुत अच्छी लगेगी तैयार होके। चलिए अब हम इसके दोनों साइड से कॉर्नर सही कर लेते, कॉर्नर पे सिलाई लगा लेते हैं ऐसे फोल्ड करके। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इसके ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके साइड से सिलाई लगा ली है और अब हम दोनों साइड से ऐसे ही लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ऐसे दोनों साइड सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है और अब हम इसमें जैसे नॉर्मल ड्रेस में प्लेट्स डालते हैं वैसे ही नॉर्मल इसमें प्लेट्स डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्लेट्स डालना। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इसमें पूरी ड्रेस में प्लेट्स डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रिल जो है कंप्लीट हो गया है और अब हम देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्रिल बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं और ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका ड्रेस का। और अभी ये पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई है और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप सोचिए लड्डू गोपाल जी पहन के इसको कितने प्यारे और कितने सुंदर लगेंगे। चलिए अब हमने ये हमें ये मुझे 6 इंच चाहिए था, मैंने इसको 6 इंच रखा है और अब हमें इसके ऊपर पाइपिंग लगानी है। चलिए अब पाइपिंग लगाते हैं अभी, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा कट करके सही कर लेंगे। देखिए मैंने इसको पाइपिंग लगाने के लिए एक ओरेब में पट्टी काट ली है जिसको हम तिरछी पट्टी भी बोलते हैं। और इसको काटने के लिए हमें जैसे ये एक प्लेन क्लॉथ है और हम इसको ऐसे तिरछा काटेंगे। इसको हमें 1 से 1.5 इंच चौड़ा भी रखना है। तो ये हमारी और एक पट्टी मतलब तिरछी पट्टी हो गई। अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे अटैच करेंगे। हम फ्रेंड्स इसको यहाँ पे इसके कॉर्नर से रखना शुरू करेंगे ऐसे, और हम इसको फोल्ड करके रखेंगे ऐसे ऐसे। चलिए अब लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको पट्टी को ऐसे इसके ऊपर डबल करके ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स सिलाई कंप्लीट हो गई है और अब हम ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के यहाँ से कट कर लेंगे, ये धागा कट कर लेंगे। और देखिए ये अब ऐसे आ गई है और अब हम इसको ऐसे उल्टा करके ऐसे दबाएंगे, ये पूरा फिनिशिंग आ जाएगा। जो ये वाला है, ये एजिस है, ये सब अंदर दब जाएंगे। इसको हम ऐसे उल्टा करके ऐसी सिलाई लगा देंगे। और जो ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉर्नर लिया है, हम इसको भी अंदर करके दबाएंगे ताकि धागे बिल्कुल ना निकले हमारी ड्रेस में से। चलिए फ्रेंड्स इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये सिलाई लग के कंप्लीट हो गया है। देखिए अब ये बिल्कुल फ्रिल वाला फ्रॉक लड्डू गोपाल जी का तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर की ब्लाउज बनाएंगे और हम यहाँ पे या तो वेलक्रो लगा सकते हैं या फिर टिच बटन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे टिच बटन लगाऊंगी और देखिए जब इसको लड्डू गोपाल जी पहन के बैठेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। मैं जल्दी ही आपको इस ड्रेस में उनका श्रृंगार भी करके दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर का ब्लाउज बनाते हैं। ब्लाउज के लिए ये मैंने एक छोटा सा क्लॉथ लिया है और इसके नीचे लगाने के लिए एक कॉटन फैब्रिक लिया है ताकि ये चुभे ना। ये थोड़ा जो कपड़ा है ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा कपड़ा है, इसलिए मैंने ये लिया है। तो चलिए अब हम इस पर चारों तरफ ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तीन तरफ हम सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे उल्टा रख के इसके ऊपर, तब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके हम तीन साइड सिलाई लगाएंगे और एक साइड से खुला रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने तीन तरफ सिलाई लगा लिया है और ऊपर से ओपन रखा है ताकि अब हम इसको थोड़ा सीधा कर सकें। अब हम इसको 2 इंच रख के बाकी एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको 2.5 इंच करके बाकी का एक्स्ट्रा कट कर देंगे। 2.5 इंच हमने इसलिए लिया है क्योंकि वो ऊपर भी सिलाई में आएगा और नीचे भी सिलाई में आएगा, तो 2.5 इंच सफिशेंट है। थोड़ा थोड़ा ये सिलाई में जाएगा, बाकी और अब हम बिल्कुल इसके सेंटर में लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसको रख के ऐसे सिलाई लगा देंगे। और फ्रेंड्स देखिए हम ड्रेस को ऐसे रखेंगे सीधी साइड से और जो ये हमने ब्लाउज काटा है इसको भी हम ऐसे सीधी साइड से रखेंगे। ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा है हम इसको ऊपर रखेंगे। और अब हम इसको सिलाई लगा देंगे।
और अब फ्रेंड्स हमने एक साइड इसको एक बार हमने इसको उल्टी साइड से रख के लगाया है और अब हम इस ब्लाउज को ऐसे सीधा कर देंगे और सीधा करने के बाद भी हम इसके ऊपर दो सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने ब्लाउज भी अटैच कर दिया है इसमें ड्रेस में और अब हम यहाँ पे एक पट्टी लगाएंगे ताकि ये उनको गले पे ऐसे बांधी जा सके। ये फ्रेंड्स मैंने ये पट्टी ली है और ये 12 इंच की पट्टी ली है और ये मैंने कॉटन के सॉफ्ट क्लॉथ की ली है क्योंकि उनको ये हम ऐसे गले में पीछे की साइड से बांधेंगे ताकि उनको ये चुभे ना, इसलिए मैंने ये एक सॉफ्ट कपड़े की ली है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा डबल करके लगाएंगे जिसको हम इस ब्लाउज को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, बाकी हम इसको बाद में ऐसे ये हमने पट्टी को डबल किया और ऐसे बिल्कुल इसके सेंटर में रखा और सिलाई लगा देंगे। और अब हम इसको पूरी पट्टी को ऐसे डबल फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी ड्रेस बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स